हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो कभी कभी कोई दिन आता है ना, तो फिर मतलब ऐसा दिन आता है कि क्या बताऊं। मैं सुबह से आज वीडियोज ही बनाने में हूँ, ऊपर से मेरी आज छुट्टी है। तो मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी बात होती है ना, जब मेरे को छुट्टी के टाइम पे ऐसी कोई वीडियोज मिल जाती हैं जो तुरंत आई हूँ। और तुरंत आई हूँ मतलब इससे क्या पता चलता है ना, आप एक तो उसे तुरंत सुन रहे हो, वो लोगों तक पहुंच रही है, तो वो इंजॉय डबल हो जाता है किसी चीज को देखने का। जब लोग ज्यादा से ज्यादा आपको देखते हैं, आज व्यूज देगा। कभी कभी तो मैं अपने मन से भी उठाती हूँ, बहुत पुराने पुराने गाने भी उठाती हूँ, लेकिन जब कोई चीज ट्रेंडिंग चल रही होती है ना, तो उसको उठाने का एक अलग मजा होता है। तो अभी आज मैंने सुबह से दो वीडियोस बना दी है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं इतनी जल्दी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मतलब बना के भी रखूंगी तो वो एक एक दिन करके निकालती रहूंगी। लेकिन आज मैं सोच रही थी, आज मैंने साउथ एक और अल्लू अर्जुन का सॉन्ग कर रखा था, तो वो वीडियो भी ब्लॉक नहीं हुई थी। अब मैं इसे भी सोच रही हूँ कि मेरी ब्लॉक ना हो, क्योंकि मैंने इनकी ना, मैं क्या बताऊँ, थालापति विजय की मैंने वाथी कमिंग वीडियो करी थी बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैंने वो देखा भी अभी हाल ही में था, फुल डांस। मतलब इतना तो पता ही था थोड़ा बहुत डांस, लेकिन फुल डांस वीडियो देखी थी मैंने बाद में, और वो भी ब्लॉक हो गई थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि वाथी कमिंग पे करो, वाथी कमिंग पे करो, और मेरी पता नहीं क्या किस्मत है इतनी खराब सी, सब वो वीडियो ब्लॉक हो गई थी। तो अब पता नहीं विसल फोड़ू है और अभी अभी आई है, मैं इसलिए ज़्यादा मेरा मन कर रहा है, क्या पता अभी ब्लॉक ना करें। वैसे टी सीरीज निकाली है तो पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा सुनने का बड़ा मन करता है, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत मिलती है। ठीक है, तेलुगु तमिल मूवीज जो भी के भी सॉन्ग जो भी होते हैं, साउथ के जो भी हमारे सॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। एनर्जी हाई करने वाले ही सॉन्ग होते हैं, और मेरे को भी लो एनर्जी चाहिए भी नहीं होती है, तो बस इसीलिए। और अभी एक घंटे पहले गाना आया है, 1.4 मिलियन व्यूज भाई साहब, थालापति विजय की पावर। तो फिलहाल पावर को छोड़ते हैं, अभी हम भी थोड़ा सा थेरेपी लेने में शुरू हो जाते हैं, और बहुत कुछ बोल दिया है, गाने के बारे में बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, तो जरा शुरू कर लेते हैं। अरे मैंने बैकग्राउंड में देखो, पानी की बोतल, ये वो सो हटाओ, विसल फोड़ो लिरिकल वीडियो है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थालापति विजय। ठीक है, अरे हमें सब चलता है, स्टार्ट, वॉल्यूम और तेज कर दूं। युवन शंकर राजा, தொடங்கட்டுமா அதிரடி கலப்பட்டுமா கேம்பெயினதா தொடக்கட்டுமா மைக்க கையில் எடுக்கட்டுமா ஒரு நிமிஷம் நான் சொன்னேன் ஷாம்பெயினை தான் தொடக்கட்டுமான்னு சொன்னேன் ஷாம்பெயினா என் காதல் கேம்பெயின் கேட்டுது டேய் மப்பல அப்படிதான்டா கேட்கும் கரெக்டாக கேட்கும் ஸ்டார்ட் மியூசிக் வாத்தி கமிங்க யாத் ஆகு யார் பார்ட்டி ஒண்ணு தொடங்கட்டுமா அதிரடி கலப்பட்டுமா ஷாம்பெயினதா தொடக்கட்டுமா மைக்க கையில் எடுக்கட்டுமா கிடி கிடிச்சா என் வாய்ஸ் தான் ரெடி ரெடிச்சா என் வாய்ஸ் தான் குடி மக்கதா நம் கூட்டணி பார்ட்டி விட்டுதான் போக மாட்டேன் நீ சத்தம் பத்தாது விசில் போடு குத்தம் பார்க்காம விசில் போடு इतना मैं देखो, मेरे कोई भी आप तमिल तेलुगु गाने जो मैंने अभी रिएक्ट कर रखे होंगे, वो उठाना भाई साहब, मैं हमेशा से कहती हूँ एनर्जी बहुत अच्छी होती है, और वो बीट देखो ना, टटा 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 क्या ही मजा आ रहा है। अब आप कहोगे कि आपको समझ में क्या आ रहा है, समझ की जरूरत हो रही है यहाँ पे ध्यान जा रहा है समझने तक? पहले तो कान ही इतने वाइब्रेट हो चुके हैं कि मतलब इतना दिमाग लगाने का टाइम किसको हो रहा है। तो मैं बता दूं, म्यूजिक की पावर ही यही है कि आपको वो लैंग्वेज आए ना आए, उससे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है चीजों में, पता है? मतलब जब कोई चीज सबको समझ में आ जाती है, वो बात अलग हो जाती है कि चलो आपको मीन उसका समझ में आ रहा, लेकिन यहां तो मुझे पता है कि इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि यार मतलब कोई भी ऐसे सीधे बैठ के तो इन गानों को सुन नहीं सकता। तो अगर मेरी वीडियो रिएक्शन वीडियो डांस वीडियो में तब्दील हो जाए, तो वो भी बिना डांस देखे, अभी तो लिरिकल वीडियो है, इसमें कोई डांस ही नहीं है, तो मतलब इसमें जब डांस ऐड हो जाएगा, जब इसकी वीडियो आ जाएगी, तो भाई साहब ये क्या निकलेगा गाना, क्योंकि अभी इसको बिना देखे मेरे को जो स्टेप बन रहे मेरे तो मुंह से वही निकल जा रहे हैं। तो बहुत ही
खतरनाक साउंड चल रहा है मेरे कानों में, तो मेरे को पॉज करने का मन नहीं था, बट यार ये देखो अब गूज़बम्स दिख ही नहीं रहे होंगे आप लोगों को, क्या दिखेंगे यार रिंग लाइट के सामने, सब कुछ में इतनी उजाला उजाला दिख रहा है ना, गोरा गोरा कुछ नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं फिर से वीडियो बाहर है। थालापति वोकल प्रभु देवा ने भी अच्छा, का मन नहीं कर रहा, पर जब ये ऐसे ऐसा किया तो आपने देखा कितना सिंक लग रहा है, कितने सिंक में लग रहा है पूरा बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड डांसर्स ये। और मैं सच बताऊं अभी मेरे से अभी दो लोगों पे नजर बहुत ज्यादा जा रही है मेरी, एक तो प्रभु देवा है ऐसे की ठीक है कि उन पे एकदम से नजर जाती है जैसे ही वो डांस करने लगते हैं तो, और थालापति मुझे कितने यंग लग रहे हैं, कितने यंग लग रहे हैं। मैंने अभी लियो भी किया था, लियो के कुछ कोई गानों में रिएक्ट किया था, और अभी मैं देख रही हूं मतलब ऐसा लगता कुछ चेंज आता ही नहीं इनकी शक्ल पे यार, बहुत सही बहुत सही। और ये तो जो डांस चल रहा है ना वो ऐसा लग रहा है पता है कसम से जैसे स्कूल में जब हम पीटी करते थे ना तो ऐसे बिल्कुल सिंक में हाथ नहीं चलते थे, एक भी हाथ इधर उधर नहीं जा रहा है, तो सेम वैसा लग रहा था यार अभी तो जो एक दो स्टेप किए ना उन्होंने, देखो यार क्योंकि एक चार लोग ही डांस नहीं कर रहे ठीक है, बैकग्राउंड में भी इतने सारे डांसर्स है तो उनका एक भी चीज इधर से उधर ना होना बिल्कुल परफेक्शन परफेक्शन। ठीक है यहां पे छोड़ दिया गया उनको अकेला, तो मैं इसको पहले हटा दूं, थोड़ा बोल देती हूँ, शाम का पूजा का टाइम भी हो गया ठीक है। और मतलब मैंने पूरे गाने में बोल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने लास्ट के लिए कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ना हर एक पॉइंट जो अच्छा लग रहा था मेरे को उसको बोलने का बोल के बताने का मन कर रहा था। एक तो मुझे कि शादी बारात में बजने वाला भी लग रहा था बीच में जो बीट आई, मैंने एकदम से मुंह से बोल भी दिया होगा कि यार मुझे तो लग रहा है कहीं शादी में एकदम से वो जो बीट आती ना बिल्कुल पागल कर देने वाली उस टाइप की बीट लग रही थी। और गाना
मेरी एनर्जी बहुत हाई लग रही होगी, सुपर एनर्जी लग रही होगी, अब थोड़ा ओवर एक्टिंग के 150 रुपये काटे वाली में भी वो भी मुझे थोड़ा एक दो कमेंट तो होते ही है वैसे, तो वो भी आते हैं, पर मैं बता रही हूँ सच में, मेरे को 150 रुपये दे दो आप लोग, मेरे रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दे दो, क्योंकि मैं हूँ इस तरह की इंसान की ऐसे गानों में मैं ऐसे बैठ के रिएक्शन नहीं कर पाती, मेरे पूरा डांस निकल आता है, और हर रिएक्शन करने वाले का अपना तरीका होता है, बहुत कोई फैक्चुअल बातें करते हैं, कोई बिल्कुल टेक्निकल बातें करते हैं, मैं तो कहती हूँ टेक्निकल बातें जुड़वास को बहुत समझ है, ऐसा नहीं है मैं भी म्यूजिक सीखती हूँ ठीक है, बिल्कुल मैं म्यूजिक से हटी नहीं हूँ, मेरे को समझ नहीं है, मैं फालतू में ग्रूव नहीं करूंगी जब तक मेरे को वो बीट समझ में नहीं अच्छी लगेगी ठीक है, तो अपनी तारीफ लेकिन कौन मारता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि मैं टेक्निकल चीज़ों में हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा जुड़वास वगैरह, बहुत सारे चैनल हैं, संगीत आर्टिस्ट हैं, बहुत लोग हैं, और लेकिन थोड़ा सा एक ऑडियंस जैसे आप लोग हो उसी तरह मैं भी एक कैमरा खोल के बैठ गई, तो मेरा कैसा रिएक्शन होगा मैं उस तरह की बात कर रही हूँ बस, तो अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक मारना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और जुड़ना जरूरी है ठीक है, तो जुड़ना है, यहाँ पे अगर आ गए हो तो रुक जाओ बस, पॉज मार लो, और आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर लग रहा हो तो समझ जाओगे यार, समझ जाओगे, थोड़ा सा लगता है जल्दी बोलती हूँ बट समझ जाओगे, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।